देखो भाई, तुम खेत खरीदना चाहती थी ना, मैंने बेच दिया, अब कह रही हूँ जमीन बंजर है, पहले देखना चाहिए था ना। मुझे आप पर भरोसा था। तुम मूर्ख हो, मैं नहीं, तो जाओ यहाँ से। अरे वही 50,000 रुपए मेरे जीने का सहारा थे, अपने सारे गहने बेच कर मैंने वो रकम चुकाई थी, आप मेरे पैसा लौटा दीजिए, मैं आपके आशीर्वाद भैया आपके पैर पकड़ दी। ए बुढ़िया, चल जा यहाँ से। मैं तो बर्बाद हो गई है, मैं कहीं की नहीं रही है, मैं एकदम रस्ते पे आ गई, भगवान से। ताज्जुब की बात है, मैंने जिस जमीन को बंजर समझकर उस बुढ़िया के गले में डाल दिया, वो जमीन सोना उबलने वाली निकली। सोना नहीं, पेट्रोल, पेट्रोल। अब मतलब तो एक ही हुआ ना, सोना उबले या पेट्रोल, दौलत दोनों ही चीजों में आती है। अब आप क्या करेंगे शेठ जी? वही तो सोच रहा हूँ, मैंने अपने हाथों से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। नहीं नहीं, आपने कुल्हाड़ी पैर पर नहीं बल्कि कुल्हाड़ी पे पैर मारा है। तुम मेरे दुख पर अफसोस कर रहे हो या मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मेरी क्या शामत आई है जो मैं आपका मजाक उड़ाऊं? मुझे तो उस बुढ़िया की किस्मत पे जलन हो रही है, 50,000 दिए और 5,00,000 ले लिए। वो जमीन मेरी है, जब बुढ़िया 5,00,000 कमा सकती है तो मैं 50,00,000 कमा सकता हूँ। वो कैसे सेठ जी? हम बुढ़िया को उसके रुपए वापस देकर जमीन वापस ले लेंगे। लेकिन सेठ जी, वो जमीन अब आपकी नहीं रही, उस शहरी की हो गई है जिसने उसे खरीद लिया। दूसरों की चीजों को अपना बनाना हमारे खानदान का पुराना पेशा है। अगर वो बुढ़िया ने मुझे जमीन वापस नहीं दिया तो हम उस पर मुकदमा ठोक देंगे। उससे क्या होगा सेठ जी, उल्टा फंस जाएंगे, बरसों मुकदमा चलता रहेगा। तो फिर बताओ क्या करें? बस आप उस जमीन को खरीदने की कोशिश कीजिए या फिर उसे छीन लीजिए। अगर मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ तो मैं छीन भी सकता हूँ, बस तुम मुझे पल पल की खबर देते रहना, फिर देखना मैं कर सकता हूँ। लो पूरे 5,00,000 है, और आपने जो माई को 5,00,000 दिया है वो हो गए ना 10,00,000। गिनने की जरूरत नहीं है, लो लो बाबू, रखो सामान भाई, अब मेरे रुपये मुझे दे दीजिए। चलिए मेरे साथ, आप भी देती हूँ। चलो साबू भाव, मेरा क्या फायदा? ले बढ़िया, ये ले तेरे 5,00,000। बस इतने? ज्यादा लालच मत दे बुढ़िया, 50,000 के 5,00,000 दे रहा हूँ। वाह, मेरी जमीन मुझे मिल गई, मैं अब उस जमीन से 50,00,000 कमाऊंगा। माई भी मूर्ख है और वो लाल पगड़ी वाला भी, मैंने एक धमकी दी डर गया, और अगर मैं खुद उस जमीन से पेट्रोल निकलवाऊं तो करोड़ों कमाऊंगा।